कल आप लोगों को पढ़ाया था मैंने कि एक्सक्रीशन में यूरिन, किडनी का जो फंक्शन था यूरिन फॉर्मेशन का, तो हम लोगों ने कल मैकेनिज्म पढ़ा हाउ यूरिन इज फॉर्म। तो यहाँ देखें कि मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, अब एक चीज हम यहाँ देखें तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन और वी से वर्टिब्रेट ऑफ ह्यूमन इज किडनी। किडनी जो है ये मेन इस जो है ये दिस किडनी इज मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ये किडनी होता है। अब ये किडनी की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, तो इसमें नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल, ये जो नेफ्रॉन होता है नेफ्रॉन नेफ्रॉन ये नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल, ये स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो नेफ्रॉन होता है। तो नेफ्रॉन का हमने एक डायग्राम बनाया था, वो नेफ्रॉन किस तरह का है, तो ये नेफ्रॉन इस तरह से, ये जो है ये नेफ्रॉन इस तरह से, ये डायग्राम ये आपको बनाया था इस तरह से, ऐसे डायग्राम था ये। नेफ्रॉन का इस तरह से आप देखे होंगे, तो ये डायग्राम जो है ये इस तरह से ऐसे कल डायग्राम बनाया था जिसमें आपको, और ये ग्लोमेरुलस था, ठीक है, ये ग्लोमेरुलस था, ये इस तरह से एफरेंट आर्ट्रियोल थे, ये एफरेंट था और ये इस तरह से इफरेंट था। तो ब्लड यहाँ से एंटर कर रहा था ऐसे, और ब्लड एंटर करने के बाद यहाँ पे ये फिल्टर हो जा रहा था ऐसे, फिल्ट्रेट जो है ये यहाँ से ऐसे पास हो रहे थे। तो फिल्ट्रेट यहाँ पे ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ये जो है ये इस तरह से पास हो रहा था और ये कलेक्टिंग ट्यूबुल से ऐसे निकल जा रहा था, यहीं पे इसको हम यूरिन कहते हैं। तो यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है किडनी का कि किडनी जो है वो करता क्या है। तो मेन मेन फंक्शन, ये जो मेन फंक्शन है, दिस मेन फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की अगर हम बात करें कि नेफ्रॉन का मेन फंक्शन क्या होता है, नेम मेन फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इज फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो ये यूरिन का फॉर्मेशन जो है ये मेन फंक्शन होता है नेफ्रॉन का। एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कैसे होता है, तो बाई फिल्टरेशन। तो ये जो ब्लड का बाई फिल्टरेशन ऑफ ब्लड, तो ब्लड के फिल्टरेशन से ये यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो मेन फंक्शन ऑफ किडनी क्या हुआ, मेन फंक्शन ऑफ किडनी, मेन फंक्शन जो किडनी की है, मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन। तो कल आपको इसके बारे में बताया था कि कैसे ये फिल्टर करता है किडनी, और किडनी में फिल्ट्रेशन कौन करता है, तो वो नेफ्रॉन्स करते हैं। तो फिल्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है किडनी का। अगर मान लेते हैं कि किडनी डिसफंक्शन हो जाती है, इफ किडनी फेल्स टू फंक्शन प्रॉपरली, इफ क्या होता है जब, व्हाट विल हैपन। तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट विल हैपन व्हेन किडनी किडनी फेल्स टू फिल्टर ब्लड। ये किडनी जब ब्लड को फिल्टर नहीं करती है तो क्या हो जाते हैं, यानी कि किडनी डिसफंक्शन हो जाएगा, किडनी जो है वो डिसफंक्शन हो जाता है, मतलब माल फंक्शनिंग हो जाती है किडनी की, किडनी डिसफंक्शन, या माल फंक्शनिंग कहते हैं किडनी की। तो किडनी जो है वो माल फंक्शनिंग हो जाती है। माल फंक्शनिंग में क्या है कि जो काम उसका है वो काम वो नहीं करता है। जैसे द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज फिल्ट्रेशन,
सो इन डिसफंक्शन व्हेन द किडनी बिकम्स डिसफंक्शन देन देर इज नो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड का जो है वो फिल्ट्रेशन नहीं होगा। तो जब फिल्ट्रेशन ब्लड का नहीं होगा तो क्या होगा कि बॉडी में बहुत सारे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं दे विल एक्यूमुलेट। सो इन केस ऑफ किडनी डिसफंक्शन फंक्शन क्या होगा कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट विल एक्यूमुलेट। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, ठीक है, ड्रग्स हैं, विल नॉट बी एलिमिनेटेड। ये क्या होगा, ये एलिमिनेट एलिमिनेटेड ये एलिमिनेट नहीं होगा। अब एलिमिनेट नहीं होगा तो क्या होगा, ये इट कैन हार्म द बॉडी। तो ये किडनी पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। किडनी में अगर फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो किडनी भी डैमेज हो जाएगी एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू डेथ। अल्टीमेटली क्या होगा कि डेथ की कंडीशन भी आ जाती है। तो यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन एक्यूमुलेट हो जाता है, यूरिया जो है वो बहुत ज्यादा बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड यूरेमिया। इस कंडीशन को कहते हैं यूरेमिया, मतलब कि ये एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन बॉडी, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया यूरिया इन बॉडी। तो बॉडी में क्या है, यूरिया वो एक्यूमुलेट हो जाता है और इसकी वजह से क्या होगा, किडनी तो डैमेज होगा ही होगा और साथ में बॉडी को हमारे हार्म होगा एंड इन फैक्ट इट कैन लीड टू डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल की डेथ भी हो जाती है इसमें। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें सोल्यूशन क्या है, कि किस तरह से इसको, जब किडनी अपना फिल्ट्रेशन का काम नहीं करता है तो हम क्या ऑल्टरनेटिव सोच सकते हैं। तो मेडिकल साइंस में ये हुआ कि अगर मान लेते हैं किडनी डिसफंक्शन हो जाता है तो उसकी बॉडी से ब्लड को निकाल लेते हैं, सो एंड इज फिल्टर्ड आउटसाइड द बॉडी। तो सोल्यूशन जो है, मेडिकल सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज मेडिकल सोल्यूशन, मेडिकल सोल्यूशन, सो मेडिकल सोल्यूशन सोल्यूशन ऑफ किडनी डिसफंक्शन ऑफ किडनी डिसफंक्शन डिसफंक्शन इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड आउटसाइड बॉडी। ये बॉडी के बाहर जो है इसको फिल्टर करते हैं इन इन किडनी मशीन। एक किडनी मशीन होती है, उस किडनी मशीन में हम क्या करते हैं, इसे वो फिल्टर करते हैं। उसी किडनी मशीन को हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी एंड दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल किडनी। तो इसको हम आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। तो इसी आर्टिफिशियल किडनी या किडनी मशीन होती है, किडनी मशीन, इसी किडनी मशीन में क्या करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं। तो उसमें करते क्या है कि पेशेंट से ब्लड बाहर ले आया जाता है, पेशेंट की बॉडी से, उसके आर्म से, हैंड से ब्लड को बाहर निकालते हैं और पास करते हैं किससे, इस आर्टिफिशियल किडनी से पास करते हैं या इस किडनी मशीन से पास करते हैं। और उस किडनी मशीन में क्या होता है, मेम्ब्रेन्स लगे रहते हैं, फिल्टर मेम्ब्रेन्स लगे रहते हैं। तो सिलोफेन, तो इसमें एक होता है सिलोफेन, सिलोफेन सिलोफेन मेम्ब्रेन होते हैं, सिलोफेन मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन जो है वो किसके फॉर्म में होते हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्स। तो ये ट्यूब्स के फॉर्म में होते हैं और उसी से पास करते हैं और उससे ब्लड फिल्टर हो जाता है। और जब फिल्टर हो जाता है ब्लड, तो फिल्टर्ड ब्लड को हम लोग वापस बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये पूरा जो काम होता है, इस पूरे प्रोसेस को जो है हम लोग कहते हैं हीमोडायलिसिस, जिसमें ब्लड को बॉडी से बाहर निकालते हैं
एंड देन इट इज पास थ्रू सिलोफेन ट्यूब, सिलोफेन ट्यूब से पास करते हैं ताकि वो फिल्टर हो जाए ब्लड, एंड अगेन इट इज री इंट्रोड्यूस्ड इन टू द बॉडी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज हीमोडायलिसिस। तो आज हम इसी हीमोडायलिसिस के बारे में पढ़ेंगे कि ये हीमोडायलिसिस होता क्या है। तो उस कंटेक्स्ट में आपको देखिए, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि हीमोडायलिसिस है क्या, उसके बारे में। तो जो अभी हमने बताया उसी को थोड़े और डिटेल से आपको हम समझा देते हैं कि इसमें होता क्या है। तो हीमोडायलिसिस, तो हम हमारा टॉपिक ही यही है कि हीमोडायलिसिस क्या है। तो इसमें देखिए, हीमोडायलिसिस क्या है, इट इज सोल्यूशन टू, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज सोल्यूशन टू किडनी माल फंक्शनिंग। किडनी माल फंक्शनिंग का मतलब ये है, किडनी माल फंक्शनिंग क्या होता है, किडनी माल फंक्शनिंग का मतलब ये है कि ये जो किडनी का काम है फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन नहीं करेगा, तो इसी का सोल्यूशन है। तो हीमोडायलिसिस इज सोल्यूशन, फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, इज फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, वेयर वेयर किडनी 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 फेल्स टू फिल्टर ब्लड, फिल्टर ब्लड। तो अगर किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती है तो उसका सोल्यूशन क्या है, उसका सोल्यूशन है हीमोडायलिसिस। अब ये देखिए, मेन फंक्शन जैसा अभी आपको मैंने बताया कि मेन फंक्शन जो किडनी का है वो क्या काम है, वो है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो मेन फंक्शन किडनी का होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो ये फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड क्या होगा कि जब किडनी डिसफंक्शन हो जाता है तो ये किडनी ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती है। तो वही क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन किडनी फेल्स टू फिल्टर ब्लड, जब किडनी फिल्टर नहीं कर पाती है ब्लड को तब क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने जो है वो क्लियर कट लिखा हुआ है कि व्हाट विल बी द रिजल्ट, सो इसी द रिजल्ट विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ द नाइट्रोजिनस वेस्ट। जैसे देखिए, नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल लाइक यूरिया, ये यूरिया है, यूरिक एसिड है, विल नॉट बी एलिमिनेटेड बाय द किडनी, ये किडनी जो है वो एलिमिनेट नहीं करती है। अब जब एलिमिनेट नहीं होगी तो क्या होगा कि यूरिया जो है उसमें एक्यूमुलेट हो जाता है, यूरिया विल गेट एक्यूमुलेटेड, और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं यूरेमिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, जैसे अभी हमने बताया कि यूरेमिया क्या होता है। तो व्हाट इज यूरेमिया, यूरेमिया इज द एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस ऑफ यूरिया इन द बॉडी, एंड दिस यूरिया कैन लीड टू डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। तो इससे जो है वो इंडिविजुअल की डेथ भी हो जाती है। तो सोल्यूशन है क्या, कैसे इसको फिल्टर किया जाए ब्लड को, तो ब्लड को फिल्टर करने का जो तरीका है वो है हीमोडायलिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हीमोडायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस एक प्रोसेस है जिससे ब्लड को फिल्टर करते हैं आउटसाइड द बॉडी ऑफ द पेशेंट। और किस तरह के पेशेंट, ऑफ सच पेशेंट हुज किडनी इज नॉट वर्किंग और हुज किडनी हैज माल फंक्शन, जिसकी किडनी में माल फंक्शनिंग हो गई है, फिल्ट्रेशन का काम नहीं हो पा रहा है, उस पेशेंट में इस प्रोसेस से क्या करते हैं, उनके ब्लड को फिल्टर करते हैं। और फिल्टर कहाँ करते हैं, तो आर्टिफिशियल किडनी में करते हैं हम लोग। तो वो एक मशीन है जिसमें उस ब्लड पर्सन से वो ब्लड को निकाल लेते हैं, उस मशीन के थ्रू इंट्रोड्यूस करते हैं, थ्रू पास करते हैं, जिसमें बहुत सारे सिलोफेन मेम्ब्रेन्स लगे होते हैं, और उसी सिलोफेन मेम्ब्रेन से क्या हो जाता है, वो ब्लड फिल्टर हो जाता है। तो जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो रिटेन हो जाते हैं उस मेम्ब्रेन में, और जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो पास हो जाते हैं। और पास होने के बाद क्या होगा कि उसको फिर से उस ब्लड को रीइंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो देखिए, आर्टरी से उस ब्लड को निकालते हैं, फिर उस मशीन में पास करते हैं, किडनी मशीन में, और उसके बाद वेन्स के थ्रू, फिर जो है उस मशीन में से वेन्स के थ्रू बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो हीमोडायलिसिस कहलाता है। द होल प्रोसेस इज नोन एज, इस होल प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग जो है इस होल प्रोसेस को हम हीमोडायलिसिस कहते हैं।
तो उसी हीमोडायलिसिस के बारे में यहाँ पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्लियर कट एक लाइन लिखा हुआ है कि सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन इज हीमोडायलिसिस। सो व्हेन देयर इज माल फंक्शनिंग, सो आई आई वांट टू रीड दिस व्हाट आई हैव रिटन, क्योंकि ये अभी हम तो हमने सामने समझा दिया आपको, लेकिन जो हमने कहा है उसको लिखेंगे कैसे आप देखिए। सो व्हेन देयर इज माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, जब किडनी की माल फंक्शनिंग होती है तब क्या होता है, तो देखिए तब जो है क्या करते हैं कि ब्लड इज टेकन आउट ऑफ पेशेंट्स बॉडी थ्रू आर्टरीज। जैसे अभी हमने बताया कि पेशेंट की बॉडी से आर्टरीज से उस ब्लड को बाहर निकाल लेते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे उसके बाद देन दैट ब्लड इज पास्ड थ्रू सिलोफेन ट्यूब, सिलोफेन ट्यूब से पास करते हैं, जो किस में रखा रहता है, सो दैट विच इज सस्पेंडेड इन द टैंक, जिस टैंक में रखा रहता है सिलोफेन ट्यूब उसको हम डायलाइजर कहते हैं। तो ये जो डायलाइजर है ये क्या है, ये डायलाइजर होता है जिसमें ये मशीन है, डायलाइजर इज अ मशीन, जो हम आर्टिफिशियल किडनी जिसे कह रहे हैं या किडनी मशीन कह रहे हैं वो एक्चुअली उसका नाम है डायलाइजर। तो उसी डायलाइजर में क्या होता है, ये सेलोफेन मेम्ब्रेन रखा रहता है और इस मशीन में ही इसी डायलाइजर में क्या होता है, दूसरा डायलाइजिंग फ्लूइड होता है। देखिए ये जो है ना, ये इसके साथ इसमें डायलाइजिंग फ्लूइड होता है, ये क्या कहते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। देखिए उसके बाद उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है ये डायलाइजिंग फ्लूइड, देखिए जिसमें क्या होगा, जिसमें क्या कंटेन करता है, डायलाइजिंग फ्लूइड कंटेन करता है। और इस फ्लूइड का कंपोजिशन वो एकदम कैसा होता है, इस फ्लूइड का कंपोजिशन ठीक वैसा होगा जैसा हमारे बॉडी में जो ब्लड प्लाज्मा है ठीक उसी के जैसा कंपोजिशन होता है। तो इसी को हम जो है क्या है, यहाँ देखिए यहाँ हमने लिखा भी हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं आर्टिफिश, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इसी को हम लोग देखिए ये जो है ये कहते हैं डायलिसिस या मतलब डायलाइजर या आर्टिफिशियल किडनी मशीन, डायलिसिस मशीन या आर्टिफिशियल किडनी इसे हम लोग कहते हैं, मशीन को, उस मशीन को कहते हैं, उस मशीन से हम पास करते हैं। तो इस पेज में कोई दिक्कत बेटा, यहाँ जो भी हमने लिखा है वो सब समझ में आया, कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई, ठीक है, तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इसके बाद फिर हम आगे बढ़ें। चलिए ठीक, देखिए अब जो है ये इसको क्या करते हैं, देखिए तो अगला स्टेप था कि इसको हम लोग क्या करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए डायलाइजर में इंट्रोड्यूस करते हैं ब्लड को ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन के टाइम पे क्या होगा, देखिए तो फिल्ट्रेशन के टाइम में जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट ब्लड में है वो डिफ्यूज करके कहाँ आ जाता है, उस मेम्ब्रेन से डिफ्यूज करके उस डायलिसिस मशीन में आ जाता है, ठीक है, उस डायलाइजिंग फ्लूइड कह लीजिए, उस डायलाइजिंग फ्लूइड में चला आता है। अभी हम आगे डायग्राम बनाएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहां देखिए द प्यूरिफाइड ब्लड, अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद के स्टेप में क्या होता है, तो उसके बाद के स्टेप में यह है कि द प्यूरिफाइड ब्लड इज रिटर्न बैक टू पेशेंट्स बॉडी फ्रॉम डायलिसिस मशीन। बताया जैसे मैंने कि पहले वो जो भी पेशेंट है जिसका किडनी काम नहीं कर रहा है तो वहां से उस ब्लड को निकालते हैं, इम्प्योर ब्लड को उसकी बॉडी से निकालते हैं आर्टरीज के थ्रू, उसके बाद उसको पास करते हैं आर्टिफिशियल किडनी से पास करते हैं, आर्टिफिशियल किडनी यानी डायलाइजर से पास करते हैं। उस डायलाइजर में क्या होगा, सिलोफेन ट्यूब होता है और उस सिलोफेन ट्यूब से क्या होगा कि वो ब्लड फिल्टर होता है और फिल्टर होने के बाद क्या करते हैं उसको फिर वेन्स के थ्रू वो बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं उस मशीन में। तो इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है, तो आर्टिफिशियल किडनी क्या है, यहाँ देखिए आर्टिफिशियल किडनी क्या है, ये एक मशीन है थ्रू विच हीमोडायलिसिस अकर्स इन केस इफ किडनी इज डैमेज। तो अगर वो किडनी डैमेज होगा तो क्या होगा कि उस ब्लड को पास करते हैं किससे, वो आर्टिफिशियल किडनी से। तो आर्टिफिशियल किडनी क्या है, इट इज अ मशीन थ्रू विच हीमोडायलिसिस अकर्स, हीमोडायलिसिस जिसके थ्रू होता है। अब देखिए ये जो हीमोडायलिसिस है या किडनी मशीन जिसे हम कहते हैं, तो इसमें दो कंपोनेंट होता है, आपको पहले ही बताया था कि दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं। देखिए एक सिलोफेन ट्यूब होगा जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है
और सेमी परमेबल होने की वजह से ये हर चीज को पास नहीं होने देता है, ये सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल्स को पास होने देगा। बड़े मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन के हैं, जैसे लिपिड्स के हैं, इस तरह के मॉलिक्यूल इस सिलोफेन ट्यूब से पास नहीं करते। उसके बाद दूसरा होता है इसमें डायलिसिस फ्लूइड या डायलाइजिंग फ्लूइड कह लीजिए, और इसको हमेशा फ्रेशली यूज करते हैं, इस फ्लूइड को बार बार बदलते हैं। अगर पेशेंट बदलेगा तो ये भी फ्लूइड बदल देते हैं, इसलिए बदल देते हैं क्योंकि इन्फेक्शन को रोका जा सके। हो सकता है कि उस पेशेंट पे इन्फेक्शन हो और फिर उसी मशीन से अगर उसी फ्लूइड में अगर दूसरे को करेंगे तो वो इन्फेक्शन दूसरे में चला जाएगा। तो इसी वजह से ये जो डायलिसिस डायलाइजिंग फ्लूइड है इसको बार बार चेंज करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो देखिए इसमें एक सिंपल सी चीज आपको लॉजिक ये जान लेना है कि जो ब्लड है, ठीक है, ये जो ब्लड है, ब्लड फ्रॉम पेशेंट पेशेंट से ब्लड जो है वो पेशेंट इज टेकन आउट, ये बाहर निकाल लेते हैं उसमें, और टेकन आउट और कहाँ पास करते हैं, पास्ट इनटू कहाँ पे, किडनी मशीन से पास करते हैं। ठीक है, और ये आर्टरीज के थ्रू निकालते हैं, आर्टरी के थ्रू निकालते हैं, और फिर वापस क्या करते हैं इसको री, और यहां से जो प्यूरिफाइड ब्लड है उसको री इंट्रोड्यूस कर देते हैं, री इंट्रोड्यूस, तो उसको फिर से री इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो देख इस पेज में कोई दिक्कत, तो यहां देखिए आर्टिफिशियल जो डायलिसिस मशीन होती है, ये जो डायलिसिस मशीन होती है, ठीक है, इस डायलिसिस मशीन में क्या होगा, एक सिलोफेन ट्यूब होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और दूसरा होता है डायलिसिस फ्लूइड होता है जिसको बार बार चेंज करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत इसमें नहीं? ठीक, देखिए अब इसके बाद यही चीज है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में क्या कर रहे हैं, इस डायग्राम में अगर ध्यान से देखे तो ये जो है ये आर्टरी है, इस आर्टरी से ब्लड को रिमूव कर लेते हैं तो ब्लड यहाँ से ऐसे आ जाता है, और ये देखिए ये मशीन है, इस मशीन में अगर हम देखें तो ये जो आपको दिख रहा है ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो देखिए कुछ इस तरह का डायग्राम ड्रॉ होगा, और ये हो गया मशीन, और इस मशीन के अंदर इस तरह से ऐसे क्या है, ये बहुत सारे वो सिलोफेन ट्यूब होते हैं, ये ऐसे बहुत सारे सिलोफेन ट्यूब रहते हैं। तो अब क्या होगा कि देखिए यहाँ से जो है ये आर्टरी के थ्रू ऐसे ले आते हैं, ये आर्टरी से इस मशीन के अंदर पास करते हैं, और फिर उसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ से इसको बाहर निकाल दिया जाता है ऐसे, ठीक है, फिर इसको ऐसे यहाँ बाहर निकाल देते हैं, और यहाँ से, और ऐसे समझ लीजिए ये क्या है, ये है पेशेंट है, ये पेशेंट है, दिस इज पेशेंट, ये पेशेंट है। तो इसके बाद जो हम लेके आते हैं तो क्या है, ये आर्टरी, दिस इज वॉट, दिस इज आर्टरी, इसी आर्टरी से हम ब्लड को निकालते हैं, और ये जो पीले पीले कलर में जो बनाया है ये क्या है, ये है वेन, ठीक है, तो इसी वेन से क्या होता है, इसी वेन से क्या होगा, ये इंट्रोड्यूस री इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस, तो इसी चीज को जो, इसी के अंदर जो ये फ्लूइड है दिख रहा है, ठीक है, इसी के अंदर जो है ये जो फ्लूइड दिख रहा है ऐसे ऐसे जो फ्लूइड है, ठीक है, ये सब जो फ्लूइड है ये क्या है, ये डायलिसिस फ्लूइड है, ठीक है, और देखिए ये जो है ये एक सिंगल, ये सिंगल जो होगा ऐसे, ठीक है, ये सिंगल अगर कलर हम चेंज करके बनाएं तो देखिए ये ऐसे, ठीक है, और ये क्या है, ये सिलोफेन ट्यूब है, दिस इज सिलोफेन ट्यूब, ठीक, और ये ब्लड को किडनी से निकालते हैं, इस आर्टरी से, उसकी बॉडी से निकालते हैं आर्टरी से, और वेन्स के थ्रू क्या है वो रीइंट्रोड्यूस कर देते हैं उसकी बॉडी में। तो हीमोडायलिसिस क्या हो गया, तो इसका मतलब एक डेफिनेशन यहाँ जान लीजिए कि व्हाट इज हीमोडायलिसिस, तो हीमोडायलिसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग इम्प्योर ब्लड बाय टेकिंग आउट ब्लड फ्रॉम पेशेंट्स बॉडी पासिंग थ्रू सिलोफेन ट्यूब केप्ट इन डायलिसिस फ्लूइड एंड फाइनली रिटर्निंग बैक द प्यूरिफाइड ब्लड इनटू पेशेंट्स बॉडी। तो ये डायलिसिस की पूरी डेफिनेशन है, ये आपको लिखना पड़ेगा कि डायलिसिस क्या होता है, तो आपसे पूछा जाएगा तो आप ये चीज, ये आंसर
बताएंगे। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत बेटा, हम आगे बढ़े। अब देखिए इसको डायग्राम में दिखाते हैं कि किस तरह से जो है वो पेशेंट को हॉस्पिटल में रखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया कि देखिए ये इसकी ऐसे अगर करें तो देखिए ये जो है ये क्या है, ये आर्टरी, ये इसी आर्टरी से, अब देखिए ये आर्टरी है, लाइन फ्रॉम आर्टरी टू पंप, ये मशीन का पंप है। ठीक है, दिस इज पंप, ये क्या है, ये जो है ये पंप है, मशीन का पंप। ठीक है, मशीन का ये पंप है। तो इससे ब्लड कहाँ आया, ये ब्लड आया इस मशीन में। इसके बाद देखिए, इसके बाद इसमें जो होता है, ठीक है, इसके बाद इसमें जो होगा, ये जितने सारे ये ट्यूब लगे हैं ना, ये जितने सारे ये जो दिखा रहे हैं हम नीले कलर में, देखिए जो ट्यूब है, इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, इस ट्यूब को हम लोग कहते हैं, इस ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए ये जो है सेमी परमेबल ट्यूब, यानी कि यही है सिलोफेन, यही क्या है, सिलोफेन, सिलोफेन ट्यूब है ये सिलोफेन ट्यूब है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद होगा क्या कि ब्लड फिल्टर होके आ रहा है। अब देखिए जब ये फिल्टर होके ब्लड बाहर निकल रहा है, ठीक है, जब जब ये ब्लड फिल्टर होके बाहर निकलेगा तो देखिए यहाँ से ऐसे इसको इसके बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये जो पीले कलर से हम बना रहे हैं ये क्या है, ये जो है ये यही क्या है, यही वेन है। तो इसी वेन के थ्रू फिर से इंट्रोड्यूस कर लेते हैं इस तरह से। और देखिए उसके बाद क्या है, फिल्टर होने के बाद क्या होगा कि देखिए ये जो है ये फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें, ये इस मशीन के अंदर जो है वो यहाँ से ऐसे क्या है, ऐसे देखिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये। ठीक है, और ये जो है ये इस तरह से अगर हम कहें, इस तरह से देखिए ऐसे जो है ना, ये ऐसे फ्लूइड होता है इसके अंदर है, ये ऐसे जो है ना ये फ्लूइड है, ये व्हाट इज दिस फ्लूइड, यही फ्लूइड है, यही फ्लूइड है ये। और उसके बाद क्या हो जाएगा, जब फिल्टर हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे ये जो है डायलाइजिंग सोल्यूशन विथ एक्सेस ऑफ यूरिया एंड सॉल्ट, यहाँ लिखा है ना विथ एक्सेस ऑफ यूरिया एंड सॉल्ट, ये देखिए यहाँ पे ये जो है ये क्या होगा, यूज्ड डायलिसिस सोल्यूशन विथ यूरिया एंड एक्सेस ऑफ सॉल्ट, इस तरह से ये फिल्टर हो गया, ये बाहर हो गया और इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो देखिए प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस क्या है, सो दिस होल इज, ये पूरा क्या है, अगर हम पूरे की बात करें, व्हाट इज दिस, दिस इज हीमोडायलिसिस, इसी को हम क्या कहते हैं, हीमो हीमो डायलिसिस, डायलिसिस, इसी को हीमो डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया बेटा, यह डायग्राम, ये डायग्राम में इस तरह से बनाते हैं, तो ये डायग्राम बना पाना मुश्किल था, इसी वजह से हमने सीधे बुक से ही डायग्राम ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत, तो हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए इसको थोड़े और दूसरे तरह के डायग्राम में अगर आप समझना चाहते हैं तो देखिए यहाँ समझ लीजिए, इस डायग्राम में, इस डायग्राम में देखिए क्या हो रहा है, ये आर्टरी है, ये आर्टरी है, ठीक है, इस आर्टरी से ये ऐसे ब्लड आया, ठीक है, ये इस पंप के थ्रू और पंप के थ्रू, और यहाँ पे देखिए ये जो जब, अच्छा एक चीज और ध्यान देना है कि जब हम ब्लड को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं तो क्या हो जाता है, वो ब्लड कोएगुलेट कर जाता है, तो वो ब्लड कोएगुलेट ना करे उसके लिए क्या ऐड करते हैं, एंटी कोएगुलेंट ऐड करते हैं। तो ये एंटी कोएगुलेंट भी बाहर, चूंकि बॉडी से जैसे ही बाहर ब्लड को निकालते हैं तो ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, तो क्लॉटिंग को रोकने के लिए क्या ऐड करते हैं, उसमें एंटी कोएगुलेंट भी ऐड करेंगे। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर देखिए उसको पास कर देते हैं उसी से, कहाँ पास करते हैं, तो देखिए सेम इसी में ये डायलिसिस डायलाइजर में पास कर देते हैं। यही डायलाइजर क्या है, ये आर्टिफिशियल किडनी ही है, यही डायलाइजर जो है, ये जो डायलाइजर यहाँ लिखा है ना, ये क्या है, ये आर्टिफिशियल किडनी है, ये आर्टिफिशियल किडनी है। सो दिस इज, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये क्या है, यही आर्टिफिशियल किडनी है, दिस इज आर्टिफिशियल, ठीक है, यही आर्टिफिशियल किडनी है, और यही इसी को हम किडनी मशीन भी कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद हो जाएगा क्या, इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो यहाँ से निकलेगा ऐसे, जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो क्या होगा, वो यहाँ से ऐसे, ये जो प्यूरिफाइड ब्लड है, ठीक है, ये प्यूरिफाइड ब्लड क्या होगा फिर, यहाँ से ऐसे आएगा, ठीक है, और
सिलोफेन ट्यूब से होते हुए, देखिए यहाँ पे ट्यूब थोड़ा सा बाहर बनाया है, हालांकि वो उसी के अंदर होगा। उसके बाद यहाँ से ऐसे क्या होगा, ये पास कर दिया जाता है ऐसे वेंस के थ्रू, ऐसे अल्ट और बॉडी में ऐसे पूरा चला जाता है। ठीक है, तो जो फिल्ट्रेशन का काम है वो कहाँ हो रहा है, वो बाहर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये जो पूरा सेटअप आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा सेटअप कह लीजिए, मतलब कि यहाँ से लेके देखिए ये जो है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ से ऐसे ऐसे और ये ऐसे, ये पूरा सेटअप क्या है, ये पूरा सेटअप है, दिस होल सेटअप इज व्हाट, यही जो होल सेटअप है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहेंगे हीमोडायलिसिस। और ये डायलिसिस वो आर्टिफिशियल किडनी यही होता है पूरा, ये पूरा सेटअप आर्टिफिशियल किडनी का, और ये है हीमोडायलिसिस, हीमो ठीक है डाया हीमो हीमो डायलिसिस इसी को हम कहते हैं। तो यही हमारा टॉपिक था आज का कि हीमोडायलिसिस कहते किसे हैं। तो ये पूरी बातें हैं हीमोडायलिसिस से रिलेटेड कि हीमोडायलिसिस कहा किसे जाता है। बात समझ में आई तुम लोगों को, कोई दिक्कत? तो अब मेरा अंदाज है आपको समझ में आ गया होगा कि हीमोडायलिसिस हम कहते किसे हैं। तो हीमोडायलिसिस अगर कहा जाए तो इट्स अ सोल्यूशन टू किडनी डिसफंक्शन। हीमोडायलिसिस एक सोल्यूशन है किसका, किडनी डिसफंक्शन का। और कौन से डिसफंक्शन का, कि किडनी इज अनेबल टू फिल्टर ब्लड, ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाता है, ये सबसे बड़ा डिसफंक्शन है। और इसको हम लोग कैसे सही करेंगे, तो बाय यूजिंग आर्टिफिशियल किडनी। और आर्टिफिशियल किडनी क्या है, ये आर्टिफिशियल किडनी जो है वो एक तरह का एक मशीन होता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि वो किडनी है, वो एक तरह का मशीन है जिसमें सिर्फ फिल्ट्रेशन का काम किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ब्लड को बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। बहुत सिंपल स्टेप में जान लीजिए कि हीमोडायलिसिस होता क्या है। हीमोडायलिसिस का मतलब ये है कि बॉडी से ब्लड को, जो इम्प्योर ब्लड है जिसमें यूरिया बहुत ज्यादा है और किडनी डिसफंक्शन हो गया, किडनी फिल्टर नहीं कर पा रहा है, तो वह उस तरह के पेशेंट से ब्लड को आर्टरीज के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं। उसको पास करते हैं हम लोग किससे, डायलाइजर से पास करते हैं। डायलाइजर क्या होता है, डायलाइजर एक आर्टिफिशियल किडनी है या किडनी मशीन है। उस मशीन के दो कंपोनेंट होते हैं, बहुत एकदम क्लियर कट में बता दे रहे हैं, उस मशीन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक को हम कहते हैं सिलोफेन ट्यूब और दूसरे को हम लोग कहते हैं क्या, डायलिसिस, डायलिसिस फ्लूइड कहते हैं। तो ये सिलोफेन ट्यूब से पास करते हैं, और ये सिलोफेन ट्यूब कहाँ होते हैं, तो उसी डायलिसिस फ्लूइड में होते हैं, वो सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ब्लड इस सिलोफेन ट्यूब से पास करता है इम्प्योर, तो जितने भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो फिल्टर हो जाते हैं, वो फिल्टर हो जाते हैं, और जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो फिल्टर नहीं हो पाते, वो उसी में रह जाते हैं। उसके बाद जो ब्लड फिल्टर हो जा रहा है, उस ब्लड को इस मशीन से कहाँ पहुंचाते हैं, वापस से उस पेशेंट की बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ वेन्स, वेन्स के थ्रू उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो इस तरह से वो ब्लड फिल्टर हो जाता है। अब आप सोचिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कि उस पेशेंट को घर और घर से हॉस्पिटल, बस यही दो जगह जाने की जरूरत पड़ती है। और अगर फ्रिक्वेंटली जरूरत पड़ेगी तो फ्रिक्वेंट भी जाना पड़ता है, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर किसी का किडनी डिसफंक्शन हो गया तो सोचिए उसको कितनी प्रॉब्लम होगी, वो कहीं दूसरी जगह जा ही नहीं पाएगा, वो तो सिर्फ वहीं रहेगा जहां से उसकी हॉस्पिटल की दूरी बहुत नजदीक होगी। और ये फैसिलिटी हर जगह होती भी नहीं है, आर्टिफिशियल किडनी की फैसिलिटी हर हॉस्पिटल में नहीं होती है। ठीक है, कि तो जो बहुत अच्छे हॉस्पिटल हैं उन्हीं में इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है कि वो किडनी की डायलिसिस हो सकती है। बात समझ में आई आप लोगों को? तो एक बहुत छोटा सा टॉपिक जो बचा था वो हमने एकदम क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, और मेरे समझ से अब इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, अब अगले टर्न पे जब पढ़ेंगे तो उसमें ये पढ़ेंगे कि हम लाइफ प्रोसेस से जितने तरह के सवाल पूछे जाते हैं उसको जरा टेकअप करेंगे। तो अगले लेक्चर में
हम आपको यही टेकअप करेंगे कि कैसे सवाल हल किया जाता है, हाउ टू टैकल द क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों कैसे टैकल करते हैं, कैसे ऑप्शंस को हम सेलेक्ट करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये आपके लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ऑब्जेक्टिव, हाउ टू डील विद द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्योंकि आज का जो कॉम्पिटिशन है टोटल ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, चार ऑप्शन दिए रहते हैं, उन्हीं चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होता है। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है, ये बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते। तो हम अगले, और आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप आगे जो है ना वो नीट का एग्जाम देंगे, जेई मेन का देंगे, एडवांस का देंगे, मतलब तो ये सारे जो एग्जाम्स आप देंगे, आईआईटी के एग्जाम देंगे, तो उन सब में आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत काम आएगी। सो हाउ टू डील विद द ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये हम आपको अगले टर्म पे डील करेंगे। तो आप लोगों में से कोई भी एबसेंट मत होइएगा, उस दिन रहिएगा सभी लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप मिस कर देंगे तो बहुत कुछ आप मिस कर देंगे, क्योंकि आप फिर समझ नहीं पाएंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। तो हम तरीका आपको बताएंगे हाउ टू डील, और हाउ टू व्हाट आर द स्ट्रेटजीज टू डील विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज के साथ हमको कैसे डील करना है, ये हम आपको सिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे कि कैसे करते हैं। ठीक है, टिल देन बाय।